okay so welcome to my youtube channel that is the phc panchayat and here the webber is going to tell you how the modern history perfect for your examinations okay so let's start it the session सो so, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इन दी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशंस कर चुके थे हमायूं के बारे में हमने डिस्कशंस किया था एंड उसके पहले भी हमने मंगोल्स के बारे में डिस्कशंस किया था तिमोरे डायनेस्टी के बारे में डिस्कशंस किया बाबर बाबर की फाइट्स के बारे में राणा संगा के बारे में हमने डिस्कशंस किया एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे अकबर के बारे में भी डिस्कशंस किया एंड अकबर के पहले जब हमायूँ वाला पोर्शन हम स्पेसिफिक आपको बता रहे थे तो हमने आपको एक स्पेशल पॉइंट बताया था एंड दैट पॉइंट इज दैट कि जो हमायूं था हमायूं ने मैट्रीमोनियल अलायंस को प्रमोट किया था विद दी राजपुतानाज एंड दी अदर सबॉर्डिनेट्स तो ये पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं अकबर ठीक है अकबर इस पर्टिकुलर पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे अकबर की तीन चार पॉलिसीज हम इसके बारे में बताएंगे बुक्स के बारे में हम बताएंगे एक्चुअली में अकबर जो कोरोनेट होते हैं अकबर जब हमारे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आते हैं तो अकबर का जो टाइम पीरियड रहता है अगर स्पेसिफिक हम आपसे कहा जाए अकबर फिफ्टीन 56 से लेके 1605 तक का जो रेन था वो किसका था अकबर का था तो अकबर का रेन एक काफी बिग था ठीक है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकबर का रेन बड़ा भी था एंड एज वेल एज प्रॉस्परस भी था ठीक है अकबर के रेन में बहुत से डेवलपमेंट के काम होते हैं अकबर के, अकबर के रेन पे बहुत से आर्किटेक्चर के काम होते हैं स्पेशली बुक्स वगैरह बहुत लिखी जाती हैं और इवन हमने ये भी फाइंड आउट किया कि अकबर के बाद हम जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो जब जहांगीर का भी रेन आएगा तो उसके टाइम पीरियड में भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होंगे बहादुर शाह के टाइम पीरियड में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे ठीक है मतलब ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के लिए काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे हम स्पेसिफिक बात करते हैं एट जस्ट एन एग्जाम्पल औरंगजेब औरंगजेब ने अपनी लाइफ में कभी भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को प्रमोट नहीं किया अब तुम्हें पता है दो लोगों का नाम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री में कहा जाता है जिसमें से एक औरंगजेब है जो वीणा बहुत अच्छी बजाते थे एंड देट वॉज द औरंगजेब टू जिसने बैन किया कि म्यूजिक वगैरह प्रमोट नहीं की जाएगी मुगल्स में मुगल डायनेस्टी में सो दैट द पर्सनैलिटी एंड द जजमेंट बोट आर द ईच अदर ठीक है ऑन दी वन साइड दिस साइड के आपको प्रमोट नहीं करना ऑन अदर साइड वो बहुत अच्छा बजाते भी थे मतलब टॉप लेवल का वो प्लेयर थे तो ये भी चीज़ें हम कह सकते हैं एंड जैसे कि हम आपको बताया कि मेट्रीमोनियल लाइन्स के बारे में हम बताते हैं अब यहाँ पे कुछ आपके पर्टिकुलर डाउट्स क्लियर होंगे स्पेशली रिलेटेड विद द जोधा बाई एंड द हरका बाई इन से रिलेटेड भी हम डाउट्स क्लियर करेंगे अकबर का जो रेन है अकबर के रेन में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में हम आपसे डिस्कशंस करेंगे ठीक है तो अकबर के रेन पे हम कुछ बुक्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे और बुक्स के बारे में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे जो कम्प्लीटली आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है ये पर्टिकुलर बुक के राइटर कौन थे और एक किस पर्टिकुलर राजा के रेन पर लिखी गई है ठीक है तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक को इलेबरेट करने के लिए मीन्स में कभी नहीं पूछेगा नो इज़ गोइंग टू आस्क आस वॉट इज रिटन इन द बुक दे जस्ट हेल्यू कि बुक कब थी किस पर्टिकुलर रेन पे लिखी किस राजा के टाइम पीरियड पे लिखी एंड किसने लिखी ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जस्ट एन एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम उनकी फ़ाइट और वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो उनका एक बहुत लंबा रेन था तो इस पर्टिकुलर पे इन्होंने क्या किया बहुत ज़्यादा कांकर किया हैं बहुत सारे एरिया को कांकर किया मुगल डनेस्टीज़ को कांकर किया हम आपको स्पेसिफिक बता रहे हैं जब अकबर थे तो हमने बताया कि अकबर ने गुजरात को सब वापस से सरप्राइज़ किए वापस से कैप्चर किया मालवा को कैप्चर किए कैप्चर करने के बाद बंगाल और ये राजस्थान तो ऑलरेडी उनका फ्रेंड हो चुका था बहुत सारे एरियाज़ को यूपी वाले रीजन्स को भी इन्होंने कैप्चर किया मालवा पूरा हो चुका था गड़ाघटन हमने एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर वॉर लड़ी अजमेर में लड़ी मालवा में लड़ी बहुत सारी वॉर लड़ी उड़ीसा को भी उन्होंने कैप्चर किया इसके बाद क्या होता है जब वो डक्कन की तरफ मूव करते हैं ना तो यहाँ पे स्पेसिफिक हम बताएं द गेटवे ऑफ द डक्कन जो हम कंसिडर करते हैं तो वहाँ से जब वो मूव करके आगे जाते हैं ठीक है अगर हम उसको पर्टिकुलर कहा जाए बुरहानपुर वाले रीजन से जब वो मूव करके आगे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन नीचे के नीचे का जितना भी पोर्शन रहता है वो अकबर के टच में नहीं रहता है। मतलब वो पर्टिकुलर एरिया को वो कॉन्कर करना भूल जाते हैं संभव नहीं हो पाता है एंड उनका टाइम पीरियड निकल जाता है तो वो मेनली फोकस किए थे कि जितना भी नदन इंडिया है नदन इंडिया को प्रॉस्परस बनाने में उन्होंने फोकस किया है नदन इंडिया के कॉन्कर करने पे उन्होंने फोकस किया तो ये पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए ठीक है इसके बाद अकबर को सक्सीड कौन करेगा ठीक है जहांगीर सलीम उनका नाम था पैट पैटनी एंड जब हम उनको बोलते हैं जहांगीर बोलते हैं जहांगीर वॉज इन कॉरोनेशन जब उनको कॉरोनेट किया गया कि जा, जहां इस जहाँ के सम्राट जहांगीर ठीक है तो जहां के सम्राट के तौर पे जहांगीर उनको बोला गया ठीक है तो जहांगीर का जो पर्टिकुलर रेंज था जहांगीर के लिए अकबर छोड़ के जाते हैं डक्कन वाला पोर्शन तो डक्कन वाले पोर्शन में जहांगीर आगे चल के कॉन्कर करते हैं जो अकबर की पॉलिसी को प्रमोट करते हैं डक्कन में अकबर ने रिलीजियस टैक्स को कम किया अकबर ने जो पर्टिकुलर टैक्सेस चल रहे थे उन टैक्सेस को और भी ज्यादा उन्होंने क्या किया रिलायत दिया उन्होंने मैट्रीमोनि रिलायंस को प्रमोट किए उन्होंने पीस एंड हारमोनी को भी प्रमोट किया यहाँ तक कि उन्होंने फोर्सफुली जो कन्वर्जन हो रहा था जितने भी मतलब कहना चाहिए जिनको कैदी बना लिया जाता था प्रिजनर्स बना लिया जाता था उनका फोर्सफुली फोर्सफुलवर्जन किया जाता था उनको भी कन्वर्ट होने से आ, क्या बोलते रोका तो फोर्सफुली कन्वर्जन पे भी उन्होंने वर्क किया एंड बहुत सारे उन्होंने शांति वाले काम किए द पीस एंड हारमोनी बनाने के लिए उन्होंने वर्क किया ठीक है तो इनके बारे में कुछ स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स हैं प्लीज लिख लीजिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज लिखिए एक्चुअली देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हुमायूं वाला पोर्शन था हुमायूं जब थे तो हुमायूं ने 30 से लेकर की की। डिफीट हो जाते हैं तक, तक एंड पॉलिटिकल वैक्यूम के बाद जस्ट अकबर आते हैं हुमायूं स्टेबिलिटी ला ही नहीं पाई थी उस वैक्यूम के बाद जब वो 56 पे आते हैं तो 56 में मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट जब तक वो कर पाते तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है इस मृत्यु के उपरांत यहाँ पे स्पेसिफिकली uh, कौन आते हैं अकबर कोरिनेट होते तो अकबर की खुद की एज बहुत कम थी ठीक है तो सबसे फर्स्ट तो मुगल को स्ट्रेंथन बनाने में ज्यादा फोकस किया जाए ना कि कंसोलिडेट करने पे एम्पायर को तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ कंसोलिडेट तो हम चार साल के बाद भी कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे फोकस क्या किया अकबर फिर बड़े होते हैं जैसे अकबर बड़े होते फिर यहाँ पे दूसरे पर्टिकुलर रीजनस पे उन्होंने कांकर करना स्टार्ट किया इसलिए हम बोलते हैं कि अकबर ने नदन पोर्शन में ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वो ऑलरेडी हिस्सा एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन चुका था पॉलिटिकल वैक्यूम के कारण क्या होता है कि जो एरिया पहले कंट्रोल में थे वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं ठीक है एंड वापस से उन एरिया को कंट्रोल करने का काम किसने किया अकबर ने किया तो अकबर ने वापस से जैसे जो बाबर ने कॉन्कर किए थे जिन एरियाज को उन सारे एरियाज को वापस से कॉन्कर करने का काम किसने किया अकबर ने किया ठीक है बहुत सारे एरियाज़ को तो अकबर अकबर के बाद के जो बहुत से एरियाज थोपस से कॉन्कर करने का काम अकबर ने किया तो अकबर काफ़ी बिजी था नदर इंडिया में ही समहाओ इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान डक्कन की तरफ नहीं गया ठीक है एंड हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि जो पोर्तज़ वगैरह थे इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी उनका इंक्रोचमेंट थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है ठीक है तो उनके इंक्रोचमेंट बढ़ने के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है उन प्रॉब्लम्स का शिकार यहाँ पे हम कहेंगे कि आगे चल के जो लेटर uh, मुगल्स आएंगे लेटर मुगल्स को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा ठीक है बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इवन औरंगज़ैब भी काफ़ी स्ट्रॉग होल्डिंग रखते थे एंड औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी पोर्तुगेज़ और जितने भी यूरोपियंस थे इनका जो मेन लैंड इंडिया में इंक्रोचमेंट था वो कम था वो बस कोस्टल एरियाज़ में ही रह गए थे ठीक है तो इनके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो लिखिए सबसे पहले हम बुक्स के बारे में लिखते हैं तो बुक्स हमें स्पेसिफिकली अगर नेम बताया जाए तो बताइए बाबरनामा जो हमारे यहाँ पे थे तो बाबरनामा किसने लिखी सबसे पहले ये बताइए हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था बाबरनामा के ऊपर डिस्कशन किया था ठीक वैसे ही बाबरनामा हमने पहले आपको पढ़ा चुका है वो बाबर के उस टाइम पीरियड में लिखा गया था एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हम ये आपको बताते हैं कि इट्स अ बायोग्राफी तुजू के बाबरी ठीक है तो हमने आपको ये क्या बताया था इंफॉर्मेशन दी थी कि इट्स लाइक अ बायोग्राफी वो उनकी एक बायोग्राफी की तरह थी ठीक है अब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे ठीक वैसे ही अकबर पे तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अकबरनामा तो लिखिए अकबरनामा ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द मुगल रूलर्स ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द मुगल रूलर्स विद रिस्पेक्ट टू द पीस एंड प्रोस्पैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द पीस एंड प्रोस्पैरिटी लिख लो अकबर की लाइन है ठीक है ठीक है अब यहां पे नीचे आप लिखिए अकबरनामा से अकबरनामा द बुक रिटन बाय अबुल फजल, फ़, अबु ठीक है अकबर नामा बुक रिटन बाय अबुल अबु फजल, हम्म अबुल फजल। एक्चुअली क्या है कि हुमायूं के टाइम पीरियड में भी जो बुक्स लिखी गई थी वो इनकम्प्लीट बुक थी अगर उसको गौर से देखते हैं उसका लास्ट वॉल्यूम इनकम्प्लीट था उसको कंसिडर किया जाता है कि उनकी बहन ने लिखा बट इसलिए उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट अपने लिए अपन उस पर फोकस करेंगे बाबर नामा से क्वेश्चंस पूछ चुके हैं तुजू के बाबरी से क्वेश्चन पूछ चुके हैं अकबर नामा से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बुक किसने लिखी इज रिटन बाय दी अबुल फजल तो लिखी इज रिटन बाय दी अबुल फजल इट हैज थ्री वॉल्यूम इट हैज द्री वॉल्यूम इट हैज द्री वॉल्यूम इट हैज द्री वॉल्यूम इट हैज दी

ठीक है लॉ ऑफ अकबर ये क्या है लॉ ऑफ अकबर ठीक है लॉ ऑफ अकबर ठीक है अकबरनामा ठीक है और यहां पे हमने किसके बारे में पढ़ा अबुल फजल ठीक है ये थ्री वॉल्यूम्स में बुक लिखी गई है वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री जो वॉल्यूम थ्री है इट्स रिलेटेड विद एन अकबरी जिसमें अकबर के लॉ के बारे में बताया गया द लॉ विच इज फ्रेम बाय द अकबर के रियलिटी में लॉ मेकिंग कैसे होनी चाहिए ठीक है इसके बाद एक और नेक्स्ट बुक लिखिए तबाकत अकबरी तबाकत ए अकबरी सब बताते हैं सब बताते हैं मेनली पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है किस लैंग्वेज में लिखी गई है पर्शियन okay. तबाकत अकबरी हम्म ये बुक किसने लिखी है निजामुद्दीन अहमद किसने लिखी है निजामुद्दीन अहमद किसने लिखी है निजामुद्दीन अहमद एक और बुक का हम नाम लिखेंगे यहां पे मुंतकाब 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 लिखिए मुंतकाब मुंतकाब उत, उत तारीख ठीक है मुंतकाम एक्चुअली उत, उत है उत तारीख ठीक है डब्ल्यू ए आर आई के ठीक है तारीख इसको एच भी लिख दो मुंत मुंतकाब और तारीख इसे किसने लिखी है अब्दुल कादिर अब्दुल लिखिए अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर बद यूनि बद यूनि बी ए डी ए वाई यू एन आई बद यूनि कुछ जगह यू भी मिलता है बद यूनि ठीक है इसके बाद नेक्स्ट बुक के बारे में लिखिए Actually, next book नहीं, इसको के के बारे में अपन थोड़ा सा एक छोटी सी है वो लिखिए ये बल्कि उनके के member हुआ करते थे बट इन्होंने उनकी ही रिलीजियस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो क्या थे बहुत ज्यादा टॉलरेट थे दूसरे रिलीजन को लेके एंड समहाउ उनकी इस स्टॉलरट पॉलिसी को लेके इन्होंने क्रिटिसाइज किया था मुंतकाब उत्तारीक तो इसमें उन्होंने ये बुक किसने लिखी थी अब्दुल कादिर बदीयूनी ने लिखी थी इवन इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था तो लिखी अब्दुल कादिर बदीयूनी ही क्रिटिसाइज द अकबर रिलीजियस पॉलिसी अकबर रिलीजियस पॉलिसी एंड ही वाज वर्किंग इन हिज कोर्ट एंड ही वाज वर्किंग इन हिज कोर्ट ओके अकबर की लाइफ में बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए तो पहले अपन थोड़ा खून खराब है लड़ाई झगड़े के बारे में बात कर लेते हैं तो स्पेसिफिकली जब अकबर कोरोनेट होते हैं द डे वैन ही वॉज कॉरोनी ऑन दी फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स फ्राम द डे जब स्टेबिलिटी आती दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ट्वेंटी का टाइम पीरियड रहता है अप्रॉक्स सिक्सटी तो इन्होंने चार साल तक यहाँ पे क्या किया स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा इन्होंने स्ट्रगल किया लड़ाई होती रही बट कंटिन्यू वॉर का एक टाइम पीरियड रहता है तो 56 से 60 तक का जो टाइम पीरियड था लिखो लाइन पे 1556 फिफ्टी 1560 टू वाज़ अ टाइम पीरियड 56 से 1560 का जो टाइम पीरियड रहता है एक्चुअली क्या रहता है अकबर जब आते हैं तो अकबर 14 इयर्स की एज में क्या होते हैं कोरोनेट होते हैं किंग बनने के बाद यहाँ पे अब अकबर तो छोटे हैं रियलिटी में अकबर क्या सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं अकबर तो डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं तो एक्चुअली क्या था 1556 से लेके 1560 तक का जो टाइम पीरियड था यहाँ पे डिफेक्टो रूलर थे जिसको हम क्या बोलते थे वकील बहरम खान तो उसके बारे में लिख लीजिए वकील बहरम खान वकील बहरम खान ठीक है तो वकील बहरम खान यहाँ पे क्या थे एक बहुत ही डिफेक्टो रूलर थे और इनके बारे में हम कहा जाता है इनका बहुत फेमस नाम था जिस पोस्ट पे बैठे थे उसे बोलते थे वकील उल सल्तनत क्या बोलते थे इनको इनको एक नाम से और जाना जाता था दैट इज वकील उल सल्तनत ठीक है वकील उल सल्तनत उदभी बोलते हैं ठीक है वकील और सल्तनत ठीक है क्विड आउट यहां तक इसके बाद का जो तो टाइम पीरियड रहता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है तो 1556 पे यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है तो उसके बारे पे लिख लीजिए 5th नवंबर 1556 5th नवंबर 5th नवंबर ठीक है 5th नवंबर 1556 देयर वाज अ वॉर दैट देयर वाज अ वॉर there was a war there was a war held over the panipat region which which is famous as the second battle of panipat the second battle of panipat between Akbar versus Hemu what hmm. second battle of panipat okay एक्चुअली वो टाइम पीरियड अभी आप देखेंगे अकबर अब थोड़ा थोड़ा लिटरेट होंगे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा लेकिन उनके जो लिटरेसी है वो उनका एक्सपीरियंस से है लेते हैं उनका नॉलेज से नहीं एक्चुअली उनका जो भी ज्ञान था जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में ज्ञान हासिल किया उन्होंने एजुकेशन से हासिल नहीं किया नॉलेज उनका एक्सपीरियंस से आया है ठीक है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन फैमिली मेंबर्स ने उनका साथ दिया ठीक है स्पेशली जो महामंगा का टाइम पीरियड आता है वो एक्चुअली 56 से लेके जो जब वो गद्दी पे बैठते हैं तब से लेके आने वाले 10 सालों तक उनका टाइम पीरियड रहता है इस टाइम पीरियड में वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं जब तक ये तेईस चौबीस के ना हो जाएंगे तब तक समझदार नहीं होंगे तब तक इस टाइम पीरियड में वो रूल करेंगे तो सेकेंड सेकेंड पानीपत वॉर होती है यहाँ पे अकबर वर्सेस हेमू एंड एज वी ऑल नो दैट कि अकबर का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था वकील बहरम खान ने है ना वकील बहरम खान ने उन्होंने क्या किया था यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन किया था और इनके विहाफ पे उन्होंने वॉर लड़ी थी ठीक है और यहाँ पे कौन मारा गया था हेमू किल्ड हेमू बहुत ही फेमस रूलर थे जिनका रीजन था राजपूताना के पर्टिकुलर रीजन पे उनका एक अधिपत होता था मेवाड़ के पास पे इनके पूरा एरिया हुआ करता था एंड इन समाओ इनकी और मतलब वो सोवर्निटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कुछ बातें थीं जो राजपूत और अकबर इन दोनों के बीच में क्रिटिसाइज़ थे मतभेद थे अकबर रियलिटी में क्या था कि अकबर अकबर का माइंड नहीं था वो वकील बहरम खान का माइंड था क्योंकि हमने आपको बताया ना कि 56 में गद्दी में बैठने के बाद जो रीजन पे हमायी और बाबर का कब्ज़ा हुआ करता था इवन द राजपूत वाला रीजन राजपूताना रीजन उन पर्टिकुलर एरियाज़ में भी इन्फ्लुएंस क्रिएट होते हैं तो जब अकबर वापस से आता है गद्दी पे तब तक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और राजपूत अपने आप पे स्ट्रॉन्ग हो चुके थे एंड राजपूत और मुगल्स इनके बीच में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी ठीक है लोग वो अपनी जो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हुआ करते थे उनको लेके भी परेशान थे उनको लेके भी क्रिटिसिज्म होते थे तो एक दूसरे के कारण एक दूसरे की प, मतलब जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनको क्रिटिसाइज करने के कारण क्योंकि उनकी उनकी सूजनिटी एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था दैट द राजपुताना स्पेशली द हेमू एंड हेमू ने उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन किया एंड हेमू ने वॉर लड़ी अकबर के अगेंस्ट पर बट समहा यहाँ पे हेमू मारे जाते हैं ठीक है तुम्हें पता अकबर की हॉबीज क्या हुआ करती थी वट वॉज uh, शादी करने शिकार करना नहीं Actually, उनकी मेनली हॉबीज हुआ करती थी वो कबूतरों को उड़ाया करते, करते थे ठीक है एज वेल एज वो हॉर्स राइडिंग बहुत करते थे हॉर्स राइडिंग ठीक है अरे द थिंग मजा आता है आपको पता है आज भी बहुत से बैकवर्ड एरियाज में कबूतरों की फाइट होती है कबूतरों के कॉम्पिटिशन होते हैं फगेट अबाउट दी मूवीज़ दैट इज़ हैपन इन द बैकवर्ड एरियाज़ बहुत से रीजन पे होते हैं आज भी बहुत से गाँव चले जाओगे विलेजेज एरिया में जाओगे वहाँ पर समाओ ये पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं ठीक है तो ये चीज़ें होती हैं ऑन दोज डेज वो मतलब एज अ कॉम्पिटिशन के लिए नहीं बट वो अपने, मतलब, पसंद के लिए उनको ये चीज़ें बहुत पसंद होती थी और वो करते थे ठीक है हॉर्स राइडिंग का उनको बहुत शौक था इसके अलावा हॉर्स राइडिंग उनके लिए काफ़ी स्पेशलाइज थे एक्चुअली पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर पर उतना ज़्यादा उनका इन्फ्लुस नहीं था वो जहाँगीर के टाइम पीरियड में आएगा एक्चुअली वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट्स नॉट अ हॉबीज़ हॉबीज़ द थिंग की जो हम करते हैं सबसे पहली बात क्या रहती है नहीं होता है उन्होंने बहुत से धर्म के बारे में जानने की कोशिश की क्योंकि उनसे पढ़ते तो आता नहीं था तो जिनसे पढ़ते आता नहीं था तो वो क्या करते थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की ना क्या करते थे गैदरिंग करवाते थे ठीक है जितने भी बड़े बड़े दिग्गज होते थे पढ़े लिखे विद्वान होते थे वो वहां मिलकर नॉलेज को शेयर किया करते थे तो उनका एक अपना कोर्ट हुआ करता था जहां पे बड़े बड़े जो uh, मतलब कहना चाहिए अलग अलग धर्म के जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो वहां पे आके अपने नॉलेज को शेयर किया करते थे ठीक है ठीक है अभी आएगा टाइम पीरियड आएगा हर चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लिखो फिफ्टीन पे उन्होंने अटैक किया फिफ्टीन दैट वॉज अ टाइम पीरियड अटैक ओवर मालवा ठीक है ठीक है एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में डिस्कस होगी मेडविल में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा जैसे इबादत खाना क्या होता है दीवान ख़ास क्या होता है दीवान आम क्या होता है ये मेडविल का है आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू आर रफ ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी ठीक है अपन उसको डिटेल में करेंगे तो फिर वो मेडविल से एलिमिनेट हो जाएगा सम ऑफ द टॉपिक इज ठीक है से 1561 का जो टाइम पीरियड था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मालवा में उन्होंने अटैक किया सो so उनका जो अटैक था वो मालवा के ऊपर था मध्य प्रदेश वाले रीजन पे 1562 पे उन्होंने हरका बाई से शादी की ही मैरिड दी हरका बाई लिखिए हाँ 1562 1562 ही मैरिड दी हरका बाई 1562 ही मैरिड दी हरका बाई ब्रैकेट में लिखिएगा द डॉटर ऑफ राजा भारमल द डॉटर ऑफ राजा भारमल भारमल ठीक है 1561 पे कैप्चर मालवा ठीक है कैप्चर मालवा 1562 का जो टाइम पीरियड था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मालवा को कैप्चर करने के बाद उन्होंने क्या किया हरकाबाई से शादी की हरकाबाई से शादी हुई ये किसकी बेटी थी हम्म डॉटर ऑफ राजा भारमल राजा भारमल और ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये कछवाहा डेनेस्टी के थे ठीक है किसके थे कछवाहा डेनेस्टी के थे ठीक है कछवाहा डेनेस्टी के थे ये ठीक है ये कहाँ के बिलोंग किया करते थे अजमेर से बिलोंग किया करते थे भारमल भारमल ठीक है ये कछवाहा डेनेस्टी के थे जो कि कहां पे था अजमेर अजमेर पे था ये कहां पे था अजमेर पे था ये पर्टिकुलर एरिया के एच यू टी डब्ल्यू ए एच ए कुछ जगह ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा आ जाता है ठीक है तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कछवाहा कछवाहा डनेस्टी अजमेर की है ठीक है 1562 तक अपन पहुंचे 1562 तक का इनका टाइम पीरियड था इन्होंने शादी की और एक्चुअली 15 लिखिए इन द टाइम पीरियड ऑफ 1569 1569 ये एक्चुअली इनकी क्या थी फर्स्ट राजपूत वाइफ थी और 1569 पे इन्होंने सलीम को बर्थ दिया ठीक है सलीम का बर्थ होता है 1569 पे जिन्होंने 1585 पे जोधाबाई से शादी की थी एंड दैट द जोधाबाई बिलोंग्स टू द राजा मोटा उदय सिंह ऑफ जोधपुर ठीक है जोधा, ठीक है अबाउट द मूवीज वी जस्ट बिलीव ऑन वॉट द हिस्टोरियंस स्टॉट सिंपल ठीक है एज पर द हिस्टोरियंस 1585 का जो टाइम पीरियड था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सलीम ने शादी की थी एंड इस पर्टिकुलर टाइम 1585 पे शादी की थी 1569 पे बर्थ होता है एंड 1585 पे शादी की ये एक छोटा सा नोट था 1565 पे उनकी शादी होती है एंड फिफ्टीन एटी फाइव पे शादी होने के बाद हमने फाइंड आउट किया कि वो जो particular lady का नेम था उसका नाम बाई था जो कि कहाँ से उदयपुर से बिलोंग किया करती थी में कौन हुआ करते थे ए, जोधपुर से बिलोंग किया करती थी राजा उदय सिंह की बेटी थी ठीक है जोधपुर से बिलोंग किया करती थी ओके हुँ? राजा मोटा उदय सिंह ऑफ जोधपुर ठीक है है 1562 पे fifteen sixty two he issued an order please continue in fifteen sixty two he issued an order to not to convert any prisoner not to convert any prisoner order order to not to convert the prisoner not to convert the prisoner okay 1563 पे इन्होंने टैक्सेस जो हुआ करते थे जो पहले मथुरा और आसपास के रीजन्स पे लगाया करते थे उनको क्या कर दिया अबोलिश कर दिया सो so इन 1563 ही ही टैक्सेस फॉर द होली प्लेस मथुरा एंड सबोर्डिनेट रीजन ओके इन 1564 पे इन्होंने जजिया जजिया जो हुआ करता था जजिया को भी हटा दिया जजिया 1564 पे ज़ज़िया टैक्स हटा दिया गया जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था जजिया इज अ टैक्स रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी कंसीडर्ड विद द नॉन मुस्लिम्स। ठीक है ये अभी का नहीं है एक्चुअली जो जजिया चल रहा था ना जजिया को इंट्रोड्यूस किया था हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वाले टाइम पीरियड से वो सल्तनत से कंटिन्यू हो रहा था बीच बीच में बहुत सारे राजा ने उसपे चेंजेस किए बट एट द एंड ऑफ द डे अकबर ने अबॉलिश किया एंड औरंगजेब ने वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है इसके बाद लिखिए 1568 का जो टाइम पीरियड था इन्होंने चित्तूर में लड़ाई की ही फॉट अगेंस्ट चित्तूर ओके okay? राणा उदय सिंह ये शिशोदिया डेनेस्टी से बिलोंग किया करते थे 1568 इन 1568 इन्होंने राणा उदय सिंह से वॉर लड़ी राणा राणा उदय सिंह राणा उदय सिंह ऑफ सिसोदिया डेनेस्टी किससे बिलोंग किया करते थे सिसोदिया डेनेस्टी कहाँ के थे ये चित्तूर के थे ये चित्तूर के थे ये चित्तूर से बिलोंग किया करते थे चित्तौड़ वही चित्तौड़ वाला चित्तौड़ चित्तौड़ वो अलग है वो चित्तौड़ इसको एक्चुअली ऐसे भी लिखते हैं चित्तौड़ भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हो चित्तौड़ ठीक है चित्तौड़ भी लिख सकते हो चित्तौड़ समाओ अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम्स लिखे जाते हैं ठीक है एंड ये कहाँ के थे ये सिसोदिया डाइनेस्टी से बिलोंग किया करते थे इनके अगेंस्ट इन्होंने फाइट लड़ी 1572 पे ही अटैक ओवर दी गुजरात एंड कॉन्कर दी गुजरात या फिर आप समाह लिख सकते फिफ्टीन सेवेंटी टू ही कैप्चर्ड गुजरात फिफ्टीन सेवेंटी टू कैप्चर्ड गुजरात कैप्चर्ड गुजरात ठीक है अब ये गुजरात पहुंचे गुजरात को कैप्चर किया है इन फिफ्टीन सेवेंटी थ्री इन फिफ्टीन सेवेंटी थ्री ही बिल्ट बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश इन 1573 1573 ठीक है 1573 बुलंद दरवाजा बिल्ट बुलंद दरवाजा बुलंद दरवाजा ठीक है फतेहपुर उत्तर प्रदेश बुलंद दरवाजा को बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये कि गुजरात जीते थे गुजरात जीतने के बाद वो अपनी विक्ट्री को कैमोमोरेट करना चाह रहे थे 1572 पे गुजरात कैप्चर किया, गुजरात जीतने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो बीच में निकले यूपी से तो जब वो यूपी से जा रहे थे तो उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया तो ना ना बुलंद दर... उसको जाओगे वो सिर्फ दरवाजा है जैसे वो धमाल का दरवाजा देखिए वो ना वो ऐसे बंद कर लेता पीछे से खुला रहता है वो ऐसा दरवाजा है ठीक है उसको घूम के भी चले जाओगे गुजरात है। है, uh, गुजरात उन्होंने कैप्चर किया था एंड गुजरात जीतने के बाद अपनी विक्ट्री को शो ऑफ करना था तो शो ऑफ के लिए उन्होंने ये बनवाया था मुगल मुगल्स नो फॉर द ठीक है पैसा बहुत था उनके पास ठीक है चलो इसके बाद कंटिन्यू करो इन 1574 सेवन 75 इन्होंने बिहार और बंगाल को भी जीत लिया ही जस्ट कैप्चर्ड एंड स्टैब्लिश विक्ट्री ओवर द बिहार एंड बंगाल टाइम पीरियड कब का है 74 75. 74 75 बंगाल बिहार एंड बंगाल को इन्होंने क्या किया कैप्चर किया ठीक है नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख ले रहा हूं 1576 पे, हल्दी की फेमस लड़ाई होती है इन द the 1576 सेवन दर अ फेमस वॉर एंड फेमस बैटल द बैटल ऑफ हल्दी घाटी राजस्थान राजस्थान में हल्दी घाटी बिटवीन हुम अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप ठीक है 1576 द बैटल ऑफ हल्दीघाटी कहां पे राजस्थान अगेंस्ट हु अगेंस्ट महाराणा प्रताप अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप कहां से बिलोंग करते थे सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे ठीक है और ये किसके बेटे थे इसके पहले कौन था राणा उदय सिंह द सन ऑफ राणा उदय सिंह ठीक है तो राणा उदय सिंह के बेटे थे ये ओके राणा उदय सिंह के बेटे थे राणा उदय सिंह भी तो हारे थे ना तो बेटा ऐसा कोई पचास साल थोड़ी ना हो गए एक्सपेंशन हो रहा है अब ऑलरेडी देखो महाराणा प्रताप द वन जिसको कभी बिलीव नहीं होता था मारा, मतलब महाराणा प्रताप किसी और का अधिपत अपने ऊपर एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे एंड उनके पिता को हराने के बाद ऑलरेडी उन्होंने अपना अधिपत उन पे, उस पर्टिकुलर किंगडम पे एक्सेप्ट कर दिया था जब महाराणा प्रताप के पास पावर आती है तो वो उस अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं एंड चैलेंज करने के दौरान उनकी फाइट होती है अकबर के साथ एंड देट वॉज अ मोमेंट ठीक है अकबर के साथ उनकी फाइट होती है Akbar is not present in the Haldi -Ghati battle. अकबर इज नॉट प्रेजेंट इन दल्दी घाटी बैटल ठीक है उसमें नीचे लाइन लिखिए अकबर वॉज नॉट प्रेजेंट इन प्रल्दी घाटी बैटल देर वॉज अ लॉट ऑफ स्टोरीज कुछ लोग बोलते थे एक्चुअली दैट वॉज ट्रू के लाइफ लॉन्ग अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आए उनसे फेस करने से डरते थे एंड uh, जो भी इशू ये स्टोरीज है ऐसा लोगों का मानना है ठीक है दैट वॉज नॉट द ट्रू बेटा अकबर के नाम से लड़ाई होगी ना अक तुम्हारा जैसे तुम अकबर के नाम से लड़ाई होगी ना राजा कौन था अब लड़ने के लिए हम जा रहे हैं या कोई भी जा रहा हो लेकिन हम तो अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं ना कल को अगर हम जीतेंगे या हारेंगे तो नाम अकबर का खराब होगा तो मैं कोई नहीं जानता है या हमें कोई नहीं जानता है आ रहा ऐसे तो पचास लोग पचास लोग, लोगों से लड़ाई करते हजारों लोग वो, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी के साथ लड़ता है तो वो ये थोड़ी ना बोलता।, लड़ा, लड़ा तो बोलता है मैंने बोलते हैं कि हाँ हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को मारा ये बोलते हैं ना वी बिलोंग टू द इंडियन आर्मी वैसे ही अरे अकबर का रिप्रेजेंटेशन है ना वाज द किंग ऑफ द होल हाँ अकबर को ही मुल्त थे अकबर और अकबर का रेन है जैसे हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि अकबर ने यहाँ पे लड़ाई तो की नहीं बट नाम तो अकबर का आता है कहीं भी पूछोगे तो अकबर ही का नाम लिखा है बट रियलिटी में उसके बिहाफ पे कौन लड़ा तो वकील बैरम खान लड़ा ठीक वैसे ही कई जगह पे अकबर का नाम आएगा बट उसके आर्मी बड़े लोग हैं रईस लोग हैं हर छोटी मोटी लड़ाई में नहीं जाते लड़ाई करने के लिए पैसा है रॉब है भाई पचास लोग को उनने रिक्रूट किया अरे हजारों को रिक्रूट किया है उन तो लोग जाएंगे ना लड़ाई करने के लिए अकबर जगह तलवार लेके लड़ने पहुंच जाएगा तो इज्जत क्या रह जाएगी उसकी ये भी तो ऐसा है, है एक चीज हमेशा याद रखो जैसे अपन कभी 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 वॉर लड़ते हैं कभी भी प्रॉब्लम्स आती है कभी एक चीज नोटिस करो हर जगह पे क्या स्पेशल जाती लड़ाई करने के लिए नहीं कुछ जगह पे पुलिस संभालती है कुछ जगह पे सी सी संभालती है ठीक वैसे ही छोटी छोटी लड़ाई के लिए हर जगह राजा नहीं जाता है राजा के बिहार पे भी बहुत सारे लोग लड़ाई करते हैं बट ऑन द नेम नाम चलता है राजा का ठीक है लिखो अकबर नॉट प्रेजेंट इन दल्दी घाटी बैटल एंड ऑन हिज बिहाफ एंड ऑन हिज बिहाफ मान सिंह एंड अब्दुल फजल मान सिंह एंड अब्दुल फजल मान सिंह थे एक्चुअली उनका कडजेंट एरिया था ठीक है एडजस्टेंट एर एरिया था मान सिंह एंड अब्दुल फजल वर कमांडर वर कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी ठीक है अब्दुल फजल ठीक है 1576 सेवेंटी सिक्स द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फिफ्टीन सेवेंटी सिक्स द बैटल ऑफ हल्दी घाटी ओके डाउट इसके बाद लिखो इन 1575 सेवेंटी फाइव ही इस्टैब्लिश इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी फतेहपुर सिकरी में इसने इबादत खाना का इस्टेब्लिशमेंट किया इबादत खाना इन 1575 ही इस्टेब्लिश इबादत खाना समवेयर थोड़ा बीच में आएगा 1575 ठीक है इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं इबादत खाना इबादत खाना कहाँ पे फतेहपुर सिकरी ठीक है बहुत सारे स्कॉलर्स जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हुआ करते थे जैसे शेख मुबारक हुआ करते थे अब्दुल फजल हुआ करते थे फैजी हुआ करते थे अब्दुल्ला सुल्तानपुरी हुआ करते थे शेख अहमद सर हिंद हुआ करते थे बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स हुआ करते थे ऑन दे ऑल वर इबादत खाना वॉट फॉर फॉर द नॉलेज ऑफ इस्लाम ठीक है एंड इसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि उनके फेथ पे बहुत सारे लोग चले बहुत सारे आगे एक से एक पर्टिकुलर पर्सन आया जिससे इबादत खाना का हिस्सा हुआ करते थे ठीक है बहुत सारे लोगों को स्कॉलर्स को इनवाइट भी किया करते थे जैसे एग्जांपल है पुरुषोत्तम दास एक पुरुषोत्तम थे जो हिंदी हि, मतलब हिंदू हुआ करते थे हिंदी के बहुत ग्रेट स्कॉलर्स हुआ करते थे ठीक है तो उन्होंने इसकी प्रीचिंग्स के लिए भी वहाँ पे ज्वाइन किया एक देवी हुआ करती थी उन्होंने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कैप्चर क्या बोलते हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया आफ्टर दैट फिफ्टीन का एक टाइम पीरियड है फिफ्टीन का जो टाइम पीरियड उनके बारे में लिख लीजिए ठीक है यहाँ पे जो इबादत खाना है ही क्लोज डाउन दी इबादत खाना कुछ सालों के लिए एंड उन्होंने अनाउंस किया था दीन इलाही का कॉन्सेप्ट दीन इलाही दीन इलाही का कॉन्सेप्ट आता है 1582 पे 1582 पे दीन इलाही का कॉन्सेप्ट आता है किसका कॉन्सेप्ट आता है दीन इलाही ठीक है दीन इलाही दी इलाही का यहाँ पे आता है जिसे हम क्या बोलते हैं तोहीदीद जाही ठीक है उसे तोहहीद इलाही भी बोलते हैं तोहीद इलाद इलाही भी फेमस है बट मोस्ट फेमस नेम है दीन इलाही ठीक है जो कि एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए जाना जाता था ना कि रिलीजियस फिलॉसफी के लिए जाना जाता था द मेन एम एंड द मेन कॉन्सेप्ट दीन इलाही इज़ फॉर द पॉलिटिकल फिलॉसफी नॉट फॉर मतलब जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए ना पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हारमोनी इस्टेब्लिश करने के लिए तो उनका जो सिस्टम था उनके जो लॉ थे उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो इतने अच्छे थे कि उनके लिए एक टाइटल दिया गया था दीन एला नॉट फॉर द रिलीजियस पर्पज ठीक है पॉलिटिकल पर्पस के लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए उनको ये दिया गया था ठीक है उनका मेन एम क्या था इस पर्टिकुलर टाइटल को एस्टैब्लिश करने के बाद सुलह ए एक एकुल मत लिखो समझो सुलह ए कुल सुलह कुल क्या होता है यूनिवर्सल टॉलरेंस ऑफ द ट्रुथ यूनिवर्सल टॉलरेंस ऑफ द ट्रुथ उन्होंने सुलह कोलाही का ये आ, आ, क्या बोलते हैं यहां पे एक फरमान दिया था उन्होंने ये एक शब्द को एस्टैब्लिश किया इसके बाद हमने बताया इन्होंने टॉलरेंस टूवर्ड ऑल फेथ इस पे भी वर्क किया उन्होंने कहा कि हर धर्म को यहाँ पे टॉलरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्होंने लॉयल्टी ऑफ द किंग के बारे में भी जिक्र किया और लॉयल्टी टू द किंग के बारे में भी जिक्र किया कि किंग के प्रति इनकी क्या होना चाहिए बहुत ज्यादा वफादारी होनी चाहिए अगर वफादारी नहीं रहेगी तो इसके कारण बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे ठीक है आखिरी में दो तीन पॉइंट और हैं आप वो लिख लीजिए फिफ्टीन में अकबर ने कॉन्कर्ड किया अफगानिस्तान का काबुल अकबर कौकड़ काबुल 1585 अकबर कौंकड़ काबुल इन 1586 ही सिक्स कश्मीर ठीक है इन 1595 ही फाइव ही गंधार गंधार रीजन ऑफ अफगानिस्तान गंधार अफगानिस्तान में hmm. हाँ अफगानिस्तान गंधार आर्ट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फेमस है आर्ट एंड कल्चर का वो हिस्सा है हाँ, कैप्चर्ड गंधार 95, 1595 में गंधार में एंड सिक्सटीन जीरो वन पे इन्होंने कॉन्कर्ड किया आशीरगढ़ फोर्ट ठीक है हाँ सिक्सटीन जीरो वन पे आशीर्गढ़ फोर्ट इन्होंने महाराष्ट्र पे अहमदनगर पे अहमदनगर महाराष्ट्र ठीक है हाँ हाँ ठीक है महाराष्ट्र का ये इनका लार्ज पोर्शन हमने आपको एक्सप्लेन किया आशीर्गढ़ फोर्ट महाराष्ट्र ठीक है अहमदनगर महाराष्ट्र देखो क्या रहता है कि जो अभी ये टाइमलाइन हमने आपको एक्सप्लेन की ये फैक्ट्स फॉर प्लेम्स है ठीक है स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ोगे तो एटलीस्ट प्रीलिम्स में काफी आपको सहूलियत होगी अब अकबर से रिलेटेड तो भैया बहुत सारी चीजें हैं बट ये चीजें डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शन में जरूर होंगी या तो सारे ऑप्शन में होगी या तो वन ऑफ द ऑप्शन टू ऑफ मोस्ट ऑफ द चीजें जितनी भी हमने आपको लिखवाई उनमें से होगी ही होगी तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है कि आप या तो एलिमिनेशन मेथड लगा के बाकी के ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एक प्रोडक्टिव गैस भी ले सकते हैं जस्ट सपोज कीजिए कि अगर ऑप्शन में तीन स्टेटमेंट है और अगर आपसे वन और टू स्टेटमेंट आपके नोट से आ गए हैं और अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है कि वन ओनली टू ओनली वन टू थ्री ऐसा दिया है आपको पता है कि दो ऑप्शन आपके नोट से हैं तो दो ऑप्शन तो सही है तो वन ओनली वाला कट हो गया टू ओनली वाला कट हो गया थर्ड जो बचा वन टू थ्री थर्ड वाला भी ऑटोमेटिकली सही होगा दिस इज द एलिमिनेशन मैथड कि हम यहाँ पे क्या करते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं बाय टेकिंग अ रफ कैस ठीक है तो थर्ड के बारे में अगर आपको नहीं भी पता तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदर टू ऑप्शन से आपने यहाँ पे क्या कर दिया एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स वी आर नॉट देखो इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर इच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ द हिस्ट्री बिकॉज एवरी डे द हिस्ट्री इज क्रिएटेड इफ एवरी डे द हिस्ट्री इज क्रिएटेड और द मर्स देन सम हाउ हाउ वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दिस इज रियली अ वेरी टफ टास्क फॉर एस वेरी वेरी टफ टास्क फॉर एस ओके सो इसलिए हम मोस्ट पॉसिबल चीजें जो आ सकती हैं जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं हम सिर्फ उनको ही कवर अप करते हैं ओके okay. ठीक है हमने आपको कौन सा टाइम पीरियड बताया 1605 तक कभी आपने यहां पे सोचा है? 1604 पे कौन आता है 1604 पे डच आते हैं 1604 पे डच आते हैं एट अकबर के पापा के पापा के पापा के टाइम पे आ चुके थे ठीक है और उसमें भी बोलते थे अकबर के पापा कौन हुमायूं हुमायूं के पापा कौन बाबर बाबर के भी पहले थे हम 1498 1526 पे बाबर आए ना हम तो 1498 से हैं अभी इंडिया में तो सम हाउ सम आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि जो पोर्तगीज हैं पोर्तगीज देखो एक रफ टाइमलाइन अपन यहाँ पे कैच कर लेते हैं ठीक है ताकि आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो सके जस्ट एन एग्जाम्पल एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पे रफ करते हैं ठीक है इसके बाद आप देखिएगा जहांगीर का जो टाइम पीरियड आएगा जहांगीर का टाइम पीरियड कब रहेगा 16:05 से लेके 16:27 तक, ठीक है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसका रहेगा जहांगीर का टाइम पीरियड रहेगा अब मैं यहां से बहुत सारी चीजें रफ कर रहा हूं ठीक है रफ करने के बाद मैं आपको एक छोटी सी टाइम बताता हूं एक छोटा सा अपन रिकैप कर लेते हैं ताकि आप आगे आठ पीछे सपाट ना हो जाए ठीक है क्योंकि जहांगीर की स्टोरीज स्टार्ट करने से कहीं ज्यादा जरूरी है पीछे जो स्टोरीज अपन ने पढ़ ली है उसको एक बार कोई रिवाइज करें बिकॉज रिवीजन इज द की इट इज रियली वेरी वेरी टफ टू कंसोलिडेट ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट सो एट द एंड बट ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द रिलेटेड थिंग विच इज मेन्शन एंड वी ऑल वर स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ द बोर्ड्स Somehow all the things were important, all the thing is important. and all the things definitely will come in the exam. somehow, most of the portion So if we just gonna miss have, uh, any a single point which is mentioned in your notebook and somehow gonna say quotient in that case, you may be gone. Okay? so uh, before switching to the new topic,

हुमायूं एंड हुमायूं को दो फेसेस में डिवाइड करो ठीक है तो इस पर्टिकुलर फेस का टाइम पीरियड कितना है 1530 से 1540, से 1540 वेरी गुड एंड यहां 1555 सेकेंड फेस ओके इसके पहले कौन थे बाबर का जो रेन था वो कब से स्टार्ट हुआ 1526 से 1530 ओके okay? इस पर्टिकुलर ये जो वैक्यूम है बीच में ये जो वैक्यूम है 1540 से लेके 1555 तक के जो टाइम पीरियड है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या था सूर एम्पायर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सूर एम्पर होल सूर एम्पर सूर एम्पर तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में था हमने पढ़ा बाबर बाबर का ये जो टाइम पीरियड था इसके पहले क्या था दिल्ली सल्तनत है ना डेली सल्तनत ठीक है दिल्ली सल्तनत इवन ये जो मुगल्स है मुगल्स इज अ पार्ट ऑफ मेडविल ठीक है तो so मैडविल में बहुत सारा जो पोर्शन रहेगा वो आपका रिवाइज होगा जैसे हमने आपको बताया कि मनसबदारी सिस्टम होता है अकबर का मनसबदारी सिस्टम मनसबदारी सिस्टम रियलिटी में क्या होता है वो सारी चीज़ें आप मेडिवल में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हमने आपको एक क्विक ओवरव्यू uh, दिया था व्हाट इज द मनसबदारी सिस्टम अंडर द मनसबदारी सिस्टम वी आर गोइंग टू अपॉइंट अ मनसबदार फॉर द पर्टिकुलर एरिया जस्ट सपोज के इस पर्टिकुलर ये पूरा मुगल डेनेस्टी है इस मुगल डेनेस्टी में हमने डिफरेंट डिफरेंट मनसबदार अलग अलग रीजन पे अपॉइंट किए ठीक है इट्स लाइक अ फ्यूडल लॉर्ड्स फ्यूडलिज्म सिस्टम की तरह हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे हमने इसको क्या किया मनसबदार को अपॉइंट किया ये मनसबदार जो हुआ करते थे ये जाट एंड सवार के हिसाब से हुआ करते थे किसके हिसाब से होते थे जाट एंड सवार के हिसाब से हुआ करते थे जिसमें इनकी क्या चीज़ें डिसाइड की जाती थी इनकी रैंकिंग डिसाइड की जाती थी अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई पर्टिकुलर मनसबदार अगर फाइव रैंक पे है तो यहाँ पे जस्ट एन एग्जाम्पल फाइव थाउजेंड रैंक पे है तो उसको फाइव थाउजेंड सवार मेंटेन करके रखना पड़ता था ठीक है तो वो क्या करता था सपोज देर इज अ पर्सन एक्स तो एक्स के पास अगर जितना भी टोटल अमाउंट कलेक्शन हो रहा है टोटल अमाउंट का कलेक्शन हो रहा है उस टोटल अमाउंट में से एक सर्टेन पोर्शन मुगल्स को देना पड़ता था एक सर्टेन पोर्शन मेंटेन करने के लिए आर्मी को और अपने एरिया को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता था ठीक है तो वो मनसबदार था जिसमें से उसको आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ती थी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ता था डेवलपमेंट भी मेंटेन करना पड़ता था हर चीज मेंटेन करनी पड़ती थी तो एक सम शॉर्ट ऑफ पोर्शन वो मुगल्स को देते थे और ज्यादा जो बिग अमाउंट रहता था वो खुद रखते थे एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द मुगल्स ठीक है जो हमारे यहां पे मानसिंह थे बहुत सारे मानसिंह जो होंगे मानसिंह क्या करते थे कि, मान रैंक पे होता था। मतलब कि आप हमारे खिलाफ विदड्रो नहीं कर सकते तो जो जितना ज्यादा लॉयल होगा उसको उतनी ज्यादा रैंक दी जाएगी और जिसपे कम भरोसा होगा उसको कम दिया जाएगा कि मतलब कल कोई हम पे अटैक कर सकता है इसलिए हमने उसको छोटी आर्मी मेंटेन करने के लिए दी है तो उसको हम कहीं बड़ा मनसबदार कभी बनाएंगे ही नहीं एक्चुअली क्या था कि जो अकबर का ये मनसबदारी सिस्टम था इस मनसबदारी सिस्टम को आगे चल के शाहजहां भी रिफाइन करते हैं पहले क्या था ये में, जितने भी बहुत सारे अलग अलग रैंक के हिसाब से लिस्टेड होते थे ठीक है उसमें कहा जाता था कि जो पर्टिकुलर पर्सन फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड से जो ग्रेटर रैंक्स पे हैं वो अपनी रैंक के अलावा भी

ये जस्ट उल्टा कर दिया क्योंकि वो जो टाइम पीरियड आता है देखो ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत रहती है तो सेंट्रलाइजेशन पावर के कारण क्या होता है अकबर अकबर की फैमिली सारी चीज़ें मेंटेन कर रही थी सम हाउ अकबर ही कंट्रोल कर रहा था तो यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का पर्पस भी होता था क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एक वन पर्सन के हाथ पे था बट सम हाउ यहाँ पे जब शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है तो सोसाइटी में धोके टर्मोइल्स बहुत ज्यादा होती हैं उनके खुद की फैमिली के बहुत सारे लोग विद्रोह कर चुके होते हैं तो समहाउ यहाँ पे भरोसा बहुत कम लोगों पे होता है तो चीजों का चेंजेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मनसबदारी सिस्टम पर्टिकुलर यहाँ पे आके चेंज होता है ठीक है अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये तो हमने आपको एक छोटा सा वो बताया इसके बाद हम यहाँ पे मनसबदारी एक हमने मैट्रीमोनियल अलायंस के बारे में बताया था के प्रीवियस क्लासेस में बताया था दैट द अकबर आल्सो प्रमोटेड द मैट्रीमोनियल इवन द जहांगीर प्रमोटेड जहाँगीर मैट्रीमोनियल देयर फादर एंड ग्रैंड फादर की तरह उन्होंने यहाँ पे किया प्रमोट किया एंड सम इस मैट्रीमोनियल अलायंस को आगे चल के शाहजहां प्रमोट करेंगे बट शाहजहां के बाद औरंगजेब कभी प्रमोट नहीं करेगा औरंगजेब बोलता है कोई रिश्तेदारी नहीं सब हमारा है तो उसने पूरा राजस्थान कैप्चर करके रखा था उसने कहा शादी करनी होगी हमारी मर्जी करनी होगी करेंगे नहीं करना होगा नहीं करेंगे और कर भी लेंगे तो भी तुम हमारे झंडे के नीचे ही रहोगे सिंपल तो औरंगजेब भी बिल्कुल क्लियर करके चलता था ऐसा नहीं कि ससुरो तो हमने तुमको लीजर दे दिया अपने किंगडम अलंग से मेंटेन करो नहीं सुनना हमारी पड़ेगी तुम्हारे जैसे हज़ार पत्नियां है हमारी ठीक है उनके हज़ार खानदान है ठीक है हमारी बेटी की तरह हजार पत्नी है हमारी हजार खानदान है हर किसी को देंगे तो हमारा मुगल का हिस्सों में बड़े आएगा ठीक है तो हाँ देखो बात यहाँ पे रहती पूरा मुगल्स औरंगजेब तक स्ट्रांग रहता है ठीक है औरंगजेब भी, भी बाद में आएगा कल अपन जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे जहांगीर के बाद शाहजहां के पढ़ेंगे फिर औरंगजेब सेपरेट पढ़ेंगे

तो समाओ चीजें समझ में आई अब यहाँ पे हम एक क्विक रिकैप करते हैं किसका कि ब्रिटिशर्स के क्या हाल चाल चल रहे मतलब यूरोपियन पावर्स के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या हाल चाल चल रहे है ठीक है हमने इसके पहले चंगेज खान की भी स्टोरीज पढ़ी थी ठीक है चंगेज खान की हमने स्टोरीज आपको पढ़ाई थी तिमोरिट के ट्रेडिशंस के बारे में स्टोरीज बताई थी बट ऑल दैट जस्ट लाइक अ स्टोरीज डोंट वरीड अबाउट द थिंग सिर्फ हमारी वो स्टोरीज है एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं एग्जाम में आना नहीं है बट बाबर कैसे आया था बस बाबर को समझाने के लिए मैंने आपको वो चीजें समझाई थी ठीक है जो वर्ड मुगल्स है वो मंगोल से आया था वो वर्ड कैसे आया था बस ये समझाने के लिए हमने आपको वो पर्टिकुलर स्टोरीज हमने एक्सप्लेन की थी ठीक है आफ्टर दैट अगर आप गौर से देखेंगे तो 1526 से लेके 1627 तक अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजें चल रही हैं अगर कोशिश की जाए तो पोर्तुगीज ठीक है पोर्तुगिज आते हैं फोर्टीन पे कैप्चर करते हैं कैप्चर करते हैं पर्टिकुलर एरिया गोवा और बीजापुर वाला रीजन ठीक है बीजापुर वाले जो पर्टिकुलर पोर्शन रहता है और उसका टाइम पीरियड कब रहता है 1510 ठीक है यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे अलबरू आते हैं ठीक है तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अल्फांजो दी अलबरू की पे कौन आते हैं वास्को द गामा आते हैं 1505 पे अल्मीडा आते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अल्मीडा ने क्या किया अल्मीडा के बाद यहाँ पे कौन आते हैं अलबरूकी आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे फिगर आउट करेंगे चीज़ें तो पोर्टुगीज 1498 पे हैं जो कि क्या है इनके भी पहले हैं ठीक है इनके भी पहले हैं दिल्ली सल्तनत के एंडिंग में वो आ चुके थे और दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी अपने टर्मोइल्स में था तो उसका कभी ध्यान गया ही नहीं उस पर्टिकुलर एरिया पे ठीक है तो हम यहाँ पढ़ेंगे पोर्तुगीज पोर्तुगीज के बाद हमारे लिए जो मतलब कहना चाहिए स्टोरीज में इंपॉर्टेंट है दैट इज द डच ठीक है तो डच तो डच कब आएंगे 1604 पे आएंगे इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्सटीन जीरो एट ठीक है तो अगर आप देखा जाए तो जहांगीर पे आते हैं तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कैप्टन ऑकियन जाते किसके कोर्ट में जाते हैं जहांगीर के कोर्ट पे तो जाते हैं समझ लो कैसे कनेक्ट हो रही है सो so, यहाँ पे कौन आएंगे कैप्टन हॉकिंस आएंगे ठीक है सो कैप्टन हॉकिंस किसके कोर्ट में रहते हैं कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट पे रहते हैं एंड जहांगीर के कोर्ट पे वो जाएंगे और जहांगीर के कोर्ट से जाके फिर वो फरमान लेके आते हैं और जहांगीर उनसे हेल्प लेते हैं कि समहाओ प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए मसूलीप्टनम वाले एरिया पे एंड फिर वो उड़ीसा और उसके आंध्र प्रदेश का जो मसूलीप्टनम वाला एरिया वहाँ पे जाके वो उनके बिहाफ पे लड़ाई करते हैं किससे पोर्तगीज़ से एंड पोर्तगीज़ को वहाँ से भगाते हैं और फर्स्ट फैक्ट्री इस्टैब्लिश करते हैं मसूलीप्टनम में ठीक है सोलह सौ पे ठीक है ग्यारह बारह पे इनका ये टाइम पीरियड रहता है फिफ्टीन इलेवन टे तो हाँ सिक्सटीन इलेवन ट इनकी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है इसके बाद फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे डैनिश आएंगे इसके बाद डैनिश भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डैनिश इम्पॉर्टेंट एज सच कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने आगे कुछ किया भी नहीं हमारे इंडिया में कुछ ज़्यादा खून खराबावास देखा तो भाग गए थे ठीक है इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के बाद दैट इज़ द फ्रेंच जो आएंगे 1662 और अपना करेंगे 1664 तक ठीक है इसलिए हम कुछ जगह पे लिखा है 1664 पे वो आते हैं लेकिन 1662 से उन्होंने बहुत सारे किंग्स के साथ हमारे अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिया था हमारे इंडिया पे ठीक है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे इसके बाद ये पूरी स्टोरीज हम आपको कवर अप करेंगे तो अभी हम चल रहे हैं जहांगीर से जहांगीर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे ठीक है इन द नेक्स्ट क्लासेस हम जहांगीर को कवर अप करेंगे जहांगीर के बाद हम कवर अप करेंगे शाहजहां, शाहजहां और फिर हम कवर अप करेंगे औरंगजेब ठीक है औरंगजेब के बाद यहां से लेटर मुगल्स स्टार्ट होते हैं लेटर मुगल्स हम आपको एक सेपरेट क्लास में अप करेंगे क्योंकि लेटर मुगल्स कुछ भी स्ट्रांग नहीं थे ठीक है तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे नाम ही हो गया उनका रंगीला क्यों उन नशे में डूबे हैं ठीक है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जुल्फिकार खान जो राजा नहीं था फिर भी राजा की तरह काम करता था ठीक है जुल्फीकार खान की जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मराठा ने जुल्फिकार खान को दम दी थी फिर हम पढ़ेंगे उसके बारे में स्टोरी बाजीराव था बाजीराव स्पेशली उस टाइम पे सॉरी बालाजी बालाजी विश्वनाथ थे तो बालाजी विश्वनाथ ने जुल्फ़ीकारार खान के साथ ट्रीटी की थी इसके बाद सैयद ब्रदर जाते हैं फिर बालाजी आ जाते हैं तो बालाजी फिर उनसे लड़ता है सैयद ब्रदर से तो वो जाके पैसा चौथ और सरदेश लेके आ जाता है तो विश्वनाथ जाते हैं विश्वनाथ बोलते हैं किससे खान से कि देखो तुम मुगल के तुम मुगल मुगल के के डिफेक्टो रूलर हो हो उनके पे लड़ रहे हो, एक काम करते हैं तुम और हम मिलके दोस्ती कर लेते हैं ना तुम हमारे एरिया में आए ना हम तुम्हारे एरिया में आएंगे उनने बोला ठीक है उसके बाद बालाजी बाजी बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद उनका बेटा आता है इस यहाँ पे जुल्फिकार खान की जगह पे सैयद ब्रदर पावर्स पे रहते हैं फिर वो सैयद ब्रदर को पकड़ता है और वो कहता है पापा ने जुल्फिकार से बोला था कि दोस्ती कर लेंगे हमें पैसा चाहिए ठीक है तो सैयद ब्रदर से वो पैसे लेके आते हैं द चौथन सर्देश मुखी तो ये भी हम यहाँ पे फिगर आउट करेंगे स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है बट उन स्टोरीज को हम लेटर कवर अप करेंगे ठीक है तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट सेक्शन से हम इसको कवर अप करेंगे एंड एनसीआर टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब चीजों को हम कवर अप करेंगे ठीक है सो बाय बाय गुड लक